जीएसटी में हूं छू अपनी साथे तानवी माली समाचार जो विस्तार थी। तो हळवद ना चूपणी में देश दारू ना अड्डाओ पर जनता रेड पड़वामां आवी छे। तो सरपंच की पत्नी साथ ग्रामजनों ए पण जनता रेड कर दारू ना चार अड्डाओ पर 250 लीटर आथा नो नाश कर्यो हतो। त्यारे पोलीसे थोड़ा दिवस पहला ज गाम में दरोड़ा की कामगिरी हाथ धरी थी और 800 लीटर देशी दारू झड़पी पाड्यो हतो। तो पुलिस ना दरोड़ा बाद ग्रामजनों तपास करता गाम की सीम में दारू ना अड्डाओ मळता ग्रामजनों ने जनता रेड पाड़ी थी। तो कतरौज पुलिस पाड़ेला दरोड़ा बाद आज ग्रामजनों में सीन में जनता द्वारा रेड पड़वामां आवी छे। हळवद नो आ मामलो छे ज्यां चूपणी में देशी दारू ना अड्डा पर जनता द्वारा दरोड़ा पड़ाया छे। एक बाजु लठ्ठाकांड सर्जायो ने लठ्ठाकांड सर्जाया बाद पण हजु लोको सुधरता नथी ने क्यांक दारू ना भठ्ठीओ जे छे अड्डाओ छे तेने लईने तेना पर रेड पाड़वामां आवी रही छे। त्यारे हळवद नो पण एक मामलो बहार आव्यो छे जेमां पोलीस द्वारा 800 लीटर दारू ना भठ्ठाओ जप्त कराया हता। ते बाद पण जनता द्वारा एटले के ग्रामजनों द्वारा रेड पाड़वामां आवी छे जेमां 250 लीटर दारू जप्त करायो छे। तो चार भठ्ठाओ ने सील कराया छे। तो चूपणी में देशी दारू ना चार भठ्ठाओ सील कराया छे। ग्रामजनों सरपंच पति साथे जनता रेड पाड़ी हती अने तमाम देशी दारू ना अड्डाओ पर जनता रेड पाड़ी छे। तमाम भठ्ठाओ ने जप्त कराया छे। त्यारे चार अड्डाओ पर थी लगभग 250 लीटर आथानो पण जप्त करायो छे। तो कतरोज पोलीसे पाड़ेला दरोड़ा बाद आज ग्रामजनों में सीम में जनता रेड करी हती। जनता रेड कर्या बाद आ तमाम अड्डाओ सील कराया छे साथे 250 लीटर। तो ग्रामजनों सरपंच पति साथे जनता रेड पाड़ी छे। त्यारे एक बाजु पोलीसे ज थोड़ा दिवस पहला ज 800 लीटर दारू जप्त कर्यो हतो। तो आ मुद्दे वधु वात करवा फोन लाइन पर मयूर जोड़ाई गया छे। मयूर, एक बाजु लठ्ठाकांड सर्जायो ते बाद पण हजु आवी परिस्थितिओ सर्जाई रही छे, शुं छे वधु विगत? आज जाने चोक्कसथी जणावी दऊं के जयरे लठ्ठाकांडनो बनाव बन्यो छे गुजरात नी अंदर, त्यारे मोरबी एसपी द्वारा जे कड़क दारूबंदी उपर डामवा माटे ચુસ્ત આદેશ આપવામાં આવ્યો છે, ત્યારે ગત રોજના ચૂંટણી ગામે હળવદ પોલીસ દ્વારા 800 લીટર દારૂ પકડ્યો હતો, જે અમુક બાકી રહી ગયા ત્યાં જનતા રેડ ગામના સરપંચ સહિતના ગામ લોકોએ જનતા રેડ કરી ચાર જગ્યાએ દરોડા પાડી દેશી દારૂ પકડી પાડ્યો હતો। જી મારું જોડાય સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આપનો આભાર।